मैं हूं वरदा शोएब और आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, जिस प्रोग्राम में हम लेकर आते हैं हमारी मुख्तलिफ रिवायतों की लज्जत आपकी डाइनिंग टेबल तक। हमारी यही कोशिश होती है कि जो रिवायत कुछ खो गई हैं, ऐसे खाने जो हमारे रिवायती खाने हैं, जो हम अपनी नानी दादी के हाथों से खाते थे और उनके मज़े लेते थे, वो चटखारे हमें आज तक नहीं भूलते, लेकिन आजकल के दौर में शायद इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, वो कहीं खो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि वही जायका, वही रिवायतों भरी लज्जत हम पहुँचाएँ आपकी डाइनिंग टेबल तक। तो इसलिए हम इन्वाइट करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सेलिब्रिटी शेफ्स होते हैं, हमारे कुकिंग एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस चीज़ में माहिर होते हैं, ताकि आप तक हम ऑथेंटिक रेसिपी पहुंचा सकें। तो आइए आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं। वो बाकायदा एक प्रॉपर प्रोफेशनल शेफ़ हैं और आपने उनको मल्टी डिफरेंट चैनल्स पे भी देखा होगा, वो कोई न्यू फेस नहीं है, हम सब जानते हैं उनको। आज वो हमें सिखाएंगे हैदराबाद की स्पेशलिटी कि किस तरह से बनाई जाएगी। तो आइए इन्वाइट करते हैं शेफ असद को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं शेफ असद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, आपने एक बहुत ही डिफरेंट सा, एक यूनिक सा नाम लिया था, एक हैदराबादी डिश थी, गुलत्ती। गुलत्ती, राइट? व्हाट इज गुलत्ती बेसिकली? इज डिजर्ट है क्या? है बिल्कुल डिजर्ट है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली हम जर्दा बनाते हैं, सेम वही चीज़ है, जर्दा ही है, लेकिन प्रोसीजर इसका डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, अपीयरेंस इसकी बहुत डिफरेंट है। और स्पेशली अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ शादियों में ज़्यादातर अंडे का हलवा होता है या फिर गुलत्ती होती है। अच्छा, तो ये बेसिकली हैदराबादी डिश है, मगर सिंधी कल्चर में भी जो है वो खाई जाती है। ये हैदराबादी नहीं है, हैदराबादी कहेंगे तो वो हैदराबादी कम्युनिटी से रिलेट हो जाएगी। अच्छा। हैदराबाद की है, लाइक इंटीरियर सिंध में जितने भी हमारे लाइक मीरपुर खास, टंडो आदम, वो सब जो जगहें हैं वहाँ स्पेशली शादियों में ये बनती है। अरे वाह, फिर तो ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी होगी, राइट? और सेकेंड रेसिपी क्या बना रहे हैं? सेकेंड हम बना रहे हैं हैदराबाद ही की, बना रहे हैं तवा फिश, जो कि वहाँ की बहुत फेमस है। अच्छा, ये दो तरह से बनती है, लाइक मैंने इसको फैमिली के हिसाब से फिंगर फिश में मैं बना रहा हूँ। अच्छा, और अच्छा। वैसे ये क्या है कि ये बिल्कुल प्ले, जो हम फिश प्ले होता है, बनती है। और हैदराबाद की फिश तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, अक्सर हम लोग कराची से आउटिंग के लिए जाते ही हैं कि यार हैदराबाद की फ़िश खा के आएँ, राइट? तो आज हम जो है वो आपके दस्तरखान तक पहुँचाएंगे हैदराबाद की मज़ेदार सी तवा फ़िश और गुलत्ती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आई गेस हम पहले राइस को बॉयल होने रख देते हैं। ओके, उतनी देर में हम फिश तैयार कर लेंगे। सही, डन। तो आप यहाँ पे आ जाएं। जी बिल्कुल, शो। तो चलिए जी, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, चावल को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया। अच्छा, आपने कोई तकरीबन, सॉरी आपकी बात कर दी, कौन से चावल लिए हैं ये? क्योंकि जर्दे की तरह है तो जर्दे में हम सेला यूज करते हैं, तो सेला ही यूज किया। और इसमें तकरीबन ये हाफ के जी है मेरे पास, हाफ के जी सेला है। अब इसको आप सिंपल, हम जैसे बॉयल करते हैं वैसे बॉयल करेंगे। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डालेंगे ये लौंग, ठीक है? लौंग हम डाल देंगे तकरीबन 8 अदद। ओके, ठीक है, बस अब इसको हम बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल हो जाएंगे देन फिर इसका आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सही। तो जब तक ये हमारे पास रन हो रहा है तो हम फिश की जानिब आ जाते हैं। सही। तो पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बता दें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ मसाला कुछ लगा के रखा हुआ है, ठीक है? इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ, मैंने जो मसाला लगाया पहले मैं वो बता देता हूँ। इसमें आप लगाएंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम्स है, तीन पाव के करीब। और उसके हमने फिंगर फिश कर लिया था, उसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट लगाना है 2 खाने के चम्मच, ठीक है? उसके साथ हम यूज़ करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच। उसके साथ हम यूज़ करेंगे लेमन जूस या फिर विनेगर, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लेमन जूस यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने लेमन जूस, हल्का सा नमक डाल के और इसको मिक्स करके रख दिया, बस। आपने इसके अलावा कुछ नहीं लगाया? बिल्कुल। तो अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे मैं ले लूँगा ऑयल तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून जस्ट। सही। ठीक है, 4 to 5 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे। और उसके बाद, अच्छा अब इसका है एक मेन मसाला। अच्छा, मसाला अलग बनेगा इसका? अब इसमें ये मैं पीस के ले आया था। अच्छा, इसके इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, इसमें हम यूज़ करेंगे 3 खाने के चम्मच ज़ीरा, ठीक है? अगेन 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, अनारदाना मेन इसका इंग्रेडिएंट है, अनारदाना। सही। अनारदाने के साथ ये है अजवाइन।
ठीक है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने ये मसाला तैयार किया। अच्छा जी, जो इसके मेन मसाले के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, फिश एक तो मैरिनेट की थी वो अलग थी, उसके अलावा जो मसाला तैयार करना है उसमें है 3 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और अनारदाना कितना लिया आपने? अनारदाना तकरीबन आप लेंगे इसमें 2 खाने के चम्मच, 2 खाने मसाले में पीस लेंगे, और 2 खाने के चम्मच हम इस वक्त ऐड करेंगे। अच्छा, 2 खाने के चम्मच अनारदाना, लेकिन सब चीजों को आपने पीस के बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में लेके आ जाना है, मतलब थोड़ा सा मोटा रखेंगे, वो दरदरा थोड़ा सा रहेगा कि बिकॉज़ मिक्स में पाउडर होगा ना, तो आपने इसको मिक्सर में पीस लेना है। सही, और उसके बाद बस अब ये फिश को, अच्छा इस फिश को ये मैरिनेट करके आपने कम से कम, क्योंकि हम जब बात मैरिनेशन की कर रहे हैं तो कम से कम जो है आपने 2 आवर्स मैरिनेट करने के लिए रखना है। सही, वैसे मैरिनेशन के लिए आप कुछ भी, कोई भी खाना बना रहे हो, जो मैरिनेशन टाइम होता है वो कम से कम भी 2 आवर्स देना चाहिए, ताकि देखें 2 आवर्स अगर हम नहीं दे रहे, लाइक अगर 1:30 भी दे रहे हैं तो आप उसको मैरिनेशन कहेंगे, अदरवाइज हम मैरिनेशन नहीं कहेंगे, उसको मिक्सिंग करके आप रख लेंगे। अच्छा, अब इसमें हमें चाहिए टमाटर, तकरीबन 2 अदद टमाटर ले लेंगे और राउंड को काट लेंगे, राउंड कट कर लेंगे। और अगर आप थोड़े स्पाइसी हैं और आपको पसंद है ज़रा स्पाइसी, तो फिर आप इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, हरी मिर्च आप फ्लेवर के लिए भी थोड़ी सी आप डाल सकते हैं, लाइक बुलेट चिलीज आप चाहें तो फ्लेवर के लिए भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें एज सच हरी मिर्च की ज़रूरत नहीं है। बस ये इसको हम ऐसे लगा देंगे ताकि इसके जूसेस जो हैं उसके अंदर तवे में जाते रहेंगे और वैसे ही बनती रहेगी। ये तो देखिए वैसे भी पिक्चर में कितना खूबसूरत लग रहा है ना, अगर आप अच्छा, अब इसमें हमने जो मसाला है वो हम ऐड कर देंगे, जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ है। ओके, ठीक है। अगेन इसमें हमने यूज़, मैं इस मसाले में मैं बता देता हूँ दोबारा, हमने नमक ऐड कर दिया था, ठीक है, नमक आई गेस मैंने ऐड नहीं किया, आपने जीरा और ये बताया था कुटी हुई मिर्च, अनारदाना, जीरा है, कुटी हुई लाल मिर्च है, अनारदाना है, और एक चीज़ मिसिंग मैंने नहीं बताई, वो है साबुत धनिया। अच्छा, ठीक है, साबुत धनिया भी हमने इसमें ऐड किया है। अच्छा, तो साबुत धनिया आपने भून के ऐड किया है या वैसे? जीरा और साबुत धनिया भून के, भून के दोनों, जीरा और साबुत धनिया आपने रोस्ट करना है, देन फिर आपने उसको ऐड करना है। बिल्कुल, अब ये मसाला ऐड कर दिया, और अब इस पे हम डाल देंगे ये अनारदाना भी अलग से और ऊपर से ऐड करेंगे, राइट? और दो खाने के चम्मच हमने मसाले में ऐड किया है। सही। और 2 खाने के चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे, ऊपर से ऐड करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा खटास आ जाएगा इससे, आप देखेंगे, अब जब आप टेस्ट करेंगे अजवाइन की और अनारदाने की वजह से बहुत फ्लेवर डिफरेंट आता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके अलावा हमारा जब रेसिपी कार्ड चलेगा वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी रेसिपी या कोई भी इंग्रेडिएंट जो है आप मिस ना करें। मीनवाइल हमारी फिश जो है वो रेडी हो रही है, चावल जो है वो बॉयल हो रहे हैं, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाना नहीं है क्योंकि बहुत ही मज़े की रेसिपीज बन रही हैं। देखते रहिए हमारे साथ रिवायतों की लज्जत, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और रिवायतों की लज्जत में हमारे साथ हैं आज शेफ असद, जो बना रहे हैं हैदराबाद की डिशेस, तवा फिश और गुलत्ती, राइट? गुलत्ती के लिए हमने चावल जो है वो 1/2 किलो बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और चावल बॉयल हो गए हैं, सेला चावल लिए थे, इसमें हमने 8 लौंगे डाल दी थी, और नमक वगैरह हमने इसमें चीनी कुछ ऐड नहीं किया, कुछ ऐड नहीं किया था, सिर्फ प्लेन राइस बॉयल किए हैं। अच्छा, और अब जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो हमने तवा फिश को लिड लगा दिया था, कवर कर दिया ताकि फिश अंदर से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब क्या कर रहे हैं वो शेफ असद बताएंगे। बस अब जो है हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, ठीक है, और ये आपके पीसेस जो हैं अब हमने इसको तोड़ देने हैं। अच्छा, अगर तो आप फ्ले यूज कर रहे हैं जी, तो फिर आप तोड़ेंगे नहीं, वो फ्ले एज इट इज आप सर्व कर देंगे। अच्छा, ठीक है, सॉरी, और अदरवाइज आप क्या करेंगे, आपने इसको बस इस तरह से थोड़ा सा कटाकट मिक्स करना है, कर लेना है। लेकिन थोड़े से पीसेस बड़े आपने रखने। अच्छा, थोड़े से बड़े पीसेस रखने हैं। अगर आप चाहें बिल्कुल ज़रा कटाकट स्टाइल, तो फिर आप इसके छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और आई गेस आपको खुशबू तो आना शुरू हो गई है मुझे बिल्कुल, क्योंकि खुशबू आना शुरू हो गई है, और बहुत मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। बस ऐसे ज़्यादा इसको नहीं, लाइक बस इसको आपने मिक्सिंग करनी है। अच्छा, स्लो करना है, बहुत बिल्कुल आपने चूरा नहीं करना। अच्छा, बाज़ जगह जो है वो बिल्कुल ही मैश हुई भी मिलती हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है।
वो उसमें आपकी अगर आप कहते हैं कि जी बिल्कुल आप कटाकट स्टाइल में बना दें तो वो आपको कटाकट में दे देंगे, अदरवाइज थोड़ा सा इसमें हल्के से ज़रा चंक्स बड़े रखें ठीक है। तो बस अब ये हमारे पास डन है और अब आ जाते हैं हम गुलाब। अच्छा, बस दैट्स इट, इतना इजी प्रोसेस जो तो घर में आप आराम से बना सकते हैं, आपको वीकेंड्स पे या आप जब भी कुछ चाह रहे हैं कि फिश एंजॉय करना, इसको आप नान के साथ और बहुत पराठे के साथ आप अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। अच्छा जी, अब गुलत्ती के लिए हम ले रहे हैं तकरीबन 1/4 कप ऑयल। ओके, ठीक है, ये 1/4 कप हमने ऑयल ले लिया है और मीडियम हीट पर हम इसको गर्म होने देते हैं। उसके बाद फिर हमने इसमें ऐड करना है सबसे पहले खोया। ठीक है, खोया हम ऐड करेंगे और खोए को हमने थोड़ा ब्राउन कर लेना है। अच्छा, अब इस खोए का जो कलर होगा वही आपके राइस का कलर आ जाएगा। अच्छा, खोया कितना लिया है आपने? खोया है मेरे पास एक पाव। एक पाव खोया, 250 ग्राम्स खोया है आपके पास? आधा किलो हमारे पास चावल और उसमें एक पाव ये हमने खोया डाल दिया। अच्छा, आपने तवा फिश का चूल्हा जो है वो बंद नहीं किया है अभी, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा हल्का सा क्रिस्पी चाहिए तो आपने बिल्कुल धीमी आंच पे उसको जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ी देर के बाद हम इसको जरा टर्न कर देंगे ताकि क्रिस्पी इफेक्ट देने के लिए। ओके, यस, परफेक्ट। अब दूसरी साइड से भी जो है वो क्रिस्पी हो जाएगा। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। सही। अच्छा जी, वहाँ पे हमने खोया जो है वो हम ब्राउन कर रहे हैं अपना। सही। और इसके साथ हम डाल देंगे इसमें 4 अदद लौंग। अच्छा, लौंग भी डालेंगे जी। ये लीजिए, ओके, 4 हमने इसमें ऐड कर दी थी। okay. और 8 और लौंग हमने चावल में बॉईल करते हुए ऐड कर दिए। सही। अच्छा शेफ फसाद, आप बताएं, आप घर में भी कुकिंग करते हैं? बिल्कुल, जब दावतें वगैरह होती मतलब हैं तो रेगुलर नहीं, भाभी करती हैं या आप करते हैं? मोस्टली तो भाभी ही करती हैं। अच्छा। तो भी करती हैं और आपने देखा होगा डिफरेंट शोज में वो भी आ चुकी हैं। हाँ जी, तो अब वो भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं वैसे माशाल्लाह, और आपके साथ रह के तो आपने सिखाया है या आप उनके खाने ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? नहीं, देखें रेगुलर तो आपको पता है इतना टाइम नहीं होता, तो रेगुलर तो वही करती हैं, लेकिन ये है कि जब किसी की दावत होती है तो फिर कुछ स्पेशल बनाना हो तो वो फिर मैं कर रहा होता हूँ। राइट, बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये हमारी तैयार है, इसको मैं फ्लेम ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, फ्लेम और हम डिश में निकाल देते हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपको डिश दे देती हूँ यहाँ पे, और आप चाहें तो तवे पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। तवे पे भी सर्व कर सकते हैं। राइट, चलो, तो बहुत ही मज़े की लग रही है। अच्छा, और देखिए क्रिस्पी भी हो गई है, ब्राउन सी ना। राइट, बिल्कुल, वाओ, लुक सो डिलीशियस, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, अनारदाने का और अजवाइन का जो जायका, उसकी खुशबू भी उसी की ज़्यादा जो है वो आ रही है। ये देखें जी, कितना खूबसूरत लग रहा है, मज़ेदार सी तवा फिश जो है वो रेडी है। ये देखें, वाओ। अच्छा, टमाटर की और जो उसका अरोमा है उस अजवाइन का, अनारदाने की जो खटास सी आ रही, लेमन जूस की प्लस में आपने उसकी खुशबू, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब ये देखें वर्दा, हमारा खोया ब्राउन होना शुरू हो गया। हाँ जी, तो इसको आपने लाइट गोल्डन कलर का होना स्टार्ट हो गया है। सही, और जितना अच्छा लाइक का आपका कलर खोए में आएगा उतना ही फिर आपकी गुलत्ती का कलर अच्छा आएगा। अच्छा, इसमें से हम ये लौंग निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे या? नहीं नहीं, अच्छा, इसी में रहेंगी, जैसे जर्दे में हम देखते हैं, जर्दे में होती अच्छा, है लौंग निकाल जो पसंद नहीं करते। हाँ, कि मुंह में आ रहा है तो हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं बाद में ना, आप उसको सौते करने के बाद डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेन तो हमें इसका फ्लेवर चाहिए होता है, और उसका अरोमा जो है वो ऑयल में फ्राई होने के बाद 2-3 मिनट में आ जाता है। राइट, बस थोड़ा सा मैं इसको और करूंगा और उसके बाद फिर हम इसमें, अच्छा, इसमें नट्स जो है जरा खूब सारे डालते हैं, खूब सारे, तो मैं नट्स रख लिए हैं इसमें, हमारे पास बादाम है, किशमिश है और नारियल है। ठीक है, उसके अलावा आप चाहें तो काजू, जो भी आप बादाम, आप जो भी पिस्ते वगैरह, जो भी नट्स आपको पसंद हैं, आजकल अखरोट बहुत अच्छे आए हुए हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, वो बहुत मज़े के होते हैं। मैंने गलत प्याला उठा लिया हाथ में अपने, आपके आधे नट्स तो मैं ही खा जाऊँगी मैं फिर इसमें डाल भी देता हूँ सही। अच्छा, चीनी कब हम ऐड करेंगे? बस अभी इसी में, इसके साथ नट्स के साथ ही हम इसमें चीनी ऐड करते हैं, क्योंकि जब कलर अच्छा हो जाएगा आप समझेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया, देन हम चीनी डालें, क्योंकि अच्छा, चीनी के बाद फिर कलर नहीं आएगा। अच्छा, फिर नट्स भी थोड़े से इसमें कैरमलाइज हो जाएंगे और थोड़ा सा अच्छा क्रिस्पीनेस आ जाएगी। अभी हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप चीनी। अच्छा, आपने ये याद रखना है, चीनी आपने नट्स डालने के बाद ऐड करनी है, वरना कलर नहीं आएगा। सही, पहले हमने ऑयल में से खोया फ्राई करना है, फिर नट्स डालने हैं और
अच्छा चीनी भी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है, एक साथ ऐड नहीं करनी है, राइट? नहीं, एक साथ भी कर दें तो अच्छा, आपने बचाई थी थोड़ी नहीं सी? ये ज्यादा थी तो मैंने अच्छा, कितनी चीनी हमने इसमें ऐड करी है? हम यूज करेंगे, अगर आप ले रहे हैं तकरीबन 2 कप राइस है तो 2 कप में तकरीबन 1 कप आप डालेंगे, और अगर आप जरा मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो फिर 1.5 कप। अच्छा जी, हमने 2 कप राइस लिए थे सेला, उसमें हमने 1 कप चीनी ऐड करी है, सही है जी? और अगर मीठा आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप जो है वो चीनी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें हमें टाइम लगेगा इसको? बस इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है, सही, ताकि चीनी हमारे पास थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, शीरा बन जाए। अच्छा, शीरे टाइप का हमें बना, बस तकरीबन 1/4 कप के करीब बस पानी डालेंगे, इतना चीनी को हम जरा सा मेल्ट कर लें। चलें जी, जब तक चीनी मेल्ट होती है हम ब्रेक ले सकते हैं? बस ठीक है, आप, हमने ये राइस डाल के इसमें मिक्सअप कर लें और इसको थोड़ा दम पे चलें। बस नहीं, जहाँ वापस आएंगे फिर हम आपके सामने प्रोसेस करेंगे। जब तक चीनी मेल्ट हो रही है आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, और कहीं जाइए नहीं, देखते रहिए रिवायतों की लज्जत। वेलकम बैक टू रिवायतों की लज्जत। आप देख रहे हैं मज़ेदार सी हैदराबादी डिशेज जो कि बन रही है हमारी गुलत्ती हैदराबाद की, और तवा फिर जो है वो रेडी है। ब्रेक में मैंने टेस्ट भी किया था और बहुत ही मज़े की लग रही है। मैंने तो लीमू ही मंगवा लिया है कि बस थोड़ा सा लीमू डाल के ऊपर से खाएंगे तो क्या बात है। अच्छा, अब ये हमारी गुलत्ती भी तैयार है, बस अब इसमें हम ये राइस जो हमने उबाल के रखे थे वो डाल देंगे। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम जो है वो चीनी को मेल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमने 1/4 कप पानी डाला था, और कंटिन्यू आपने स्टर करते रहना है वरना चीनी जो है वो कैरमलाइज हो जाएगी, लग जाएगी नीचे से। तो जैसे ही जो है वो शीरा सा बन गया, चीनी मेल्ट हो जाए, आपने उसमें चावल ऐड कर देने हैं। बिल्कुल, चावल ऐड कर देने हैं, बस इसको चावलों को हम मिक्स करेंगे, और ये कलर कलर आना शुरू हो गया, सही ब्राउन कलर जो हमारे पास खोए का कलर था वो आ जाएगा। कैमरे में कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, आप देखें, बिल्कुल आप डिफरेंस देख सकते हैं ना। और अब इसको हम थोड़ा सा मिक्सअप अच्छे से करके, और फिर हम इसको 2-3 मिनट दम देते हैं, दम पे रखेंगे, सही, बस इसको इसमें और कुछ नहीं डालेगा। अच्छा, तो बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है भाई। अच्छा, मैं जर्दा भी इसी स्टाइल में बनाता हूँ। अच्छा, तो उसमें अक्सर कंप्लेन आती है कि जो जर्दा कट जाता है कुछ, तो मैं शीरा नहीं बनाता। अच्छा, बस जर्दे का रंग डाल के राइस को उबाल लिया, और उसके बाद गरम गरम राइस जब आप छन्नी में डालेंगे तो उसको आप किसी भी पैन में निकाल के ऊपर से चीनी डाल दें, कच्ची चीनी डाल के, और मिक्स कर दें। अच्छा, तो चीनी वैसे ही मेल्ट हो जाएगी गरम होने की वजह से, और उसके बाद फिर आप वही और घी ले लीजिए, ठीक है? घी में आपने इलायची कड़कड़ाई, लौंग कड़कड़ाई, और जो चावल हमने चीनी डाल के रखे हैं वो डाल दें, मिक्सअप करें, नट्स डालें, दम पर रख दें। तो भारत सही, चलिए जी, अब ये हमने इसको कवर कर दिया, दम पे रख दिया, और हीट को हम कर देंगे थोड़ा स्लो। अच्छा, और दैट्स इट, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। सही है जी, जब तक हम इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखते हैं, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप, और जब वापस आएंगे तो हम इसको आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। हैदराबाद की तवा मछली। अज्जा मछली 750 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 3 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नींबू का रस 3 खाने के चम्मच, नमक हसबे जायका, तेल 4 से 5 खाने के चम्मच, टमाटर 2 अदद, ज़ीरा 3 खाने के चम्मच, अनारदाना 4 खाने के चम्मच, अजवाइन 1/2 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच। तरकीब, मछली पर कुटी लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू का रस और नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें। फिर तवे पर तेल में मछली डालकर फ्राई करते हुए ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, अनारदाना, अजवाइन, नमक और साबुत धनिया पीस कर शामिल करें और अच्छे से पका लें। गुलत्ती। अज्जा, चावल 1/2 किलो, लौंग 12 अदद, तेल 1/4 कप, खोया 250 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, किशमिश 25 ग्राम। तरकीब, पैन में चावल और लौंग डालकर उबाल लें, एक और पैन में तेल, लौंग और खोया डालकर खोए को भून लें, रंग तब्दील होने पर ड्राई फ्रूट और चीनी शामिल करें, चीनी के घुलने पर उबले हुए चावलों को शामिल करें और दम लगा लें। गुलत्ती तैयार है। जी जनाब, रेसिपी कार्ड आपने नोट कर लिया, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल जो न्यू हमारे यंगस्टर, हमारी यंग जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं आजकल, उनमें जो है वो कुकिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और अच्छा लगता है कि बहुत शौक़ से आप लोग बनाते हैं। तो ये इतनी आसान रेसिपी है, इतने कम इन्ग्रीडियंट के साथ, और इतनी क्विक बनने वाली है कि अगर आप चाहें तो इस वीकेंड पर आप जो है बना सकते हैं बहुत आसानी से।
और जब आप रेसिपी कार्ड नोट कर रहे थे और शेफ असद जो है निकाल रहे थे, डिश आउट कर रहे थे, तो मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़े का बना है, मीठा बिल्कुल बैलेंस्ड है। सबसे बड़ी बात मीठा बनाते में यही होती है, और स्पेशली चावलों में जर्दा या इस टाइप की कोई चीज़ आप बनाएं, थोड़ा सा ये मीठा ऊपर नीचे हो गया, आप सही नहीं कर सकते उसको, आप फंस जाते हैं। तो जो आपको इंग्रेडिएंट की लिस्ट जो है आपने रेसिपी कार्ड पे नोट करी है, बिल्कुल उस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ऐसे ही बनेगा। एंड थैंक यू सो मच शेफ़ असद, आपने इतनी डिलीशियस रेसिपीज़ जो हैं वो इतनी यम दिख रही हैं, स्पेशली तवा फिश और ये गुलत्ती। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और मस्त से कि किचन बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, और मुझे हमेशा से मज़ा आता है कि ज़रा किचन लविश हो, खुला हो, खुला खुला हो, काम करें आप। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। और अगर आपके पास ऐसी कोई रेसिपी है जो आप चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें, या कोई ऐसी रेसिपी जो आपके ख़ानदान में मशहूर हो आपके नाम से कि जी अगर फलानी चीज़ खानी है तो वो आपके हाथ की ही खानी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको इन्वाइट करेंगे अपने शो पर। इसी के साथ ही आज के शो के लिए आपसे लूँगी इजाज़त, लेकिन फिर मिलूँगी आपसे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।